9,800 रुपया, जिसमें 6,500 का पेट्रोल और 3200 रुपये लग गए बाइक में ठीक करने में, झूला डला और लॉक सेट डला ये। और अगर मेरे पास में ये होता स्कूटर ओला का, तो मेरे को खींच मार के लगता पूरे महीने में 500 रुपया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? नहा धो के हो चुका हूँ तैयार, और ये यहाँ पे देखो चीता जो है हो गया है उठ के तैयार, दूध वूध पी के सो गया, और मैं हो गया हूँ तैयार। मेरे को जाना है आज ओला के वेयर हाउस, देखते हैं कि आज स्कूटर मिलेगा या नहीं। वैसे तो जादू ही रहता है उनका, बुला लेते हैं लेकिन देते नहीं है। सुबह के नाश्ते में देखो क्या है, आलू की सब्जी रोटी, थोड़ा सा कर लेते हैं नाश्ता और फिर निकलते हैं सीधे द्वारका सेक्टर 24 ओला वेयर हाउस दिल्ली। अभी देखो इसको नींद आ रही थी, ये खाऊ बर्तन है, और जैसे ही इसको दिया ना ये क्या मैगी, इसका फेवरेट है। अब देखो इसकी नींद खुल गई और खुद से ही खाने में जुट गई, ये हाथ से चम्मच में रख के तब खाया जा रहा है। खाने का तरीका देखो, मैगी ये चम्मच में डालेगी हाथ से, नहीं डाल पाई ये, और फिर हथेली लगाई नीचे ताकि नीचे ना गिरे, फिर वापस से आनी रहा चम्मच में, हाँ इस बार आया, फिर लगाएगी हथेली ये, अब इसको खाएगी हाथ, नीचे भी गिर जाएगा उसको भी छोड़ेगी नहीं, मैगी की इतनी चूजी है। अंडी फिर चीते नीचे का नहीं खाते ना। घर में हो रहे हैं गेहूं सब, देखो ये धुला हुआ है क्योंकि इसमें हो गई थी सुड़सुड़ी, पूरा इधर रखा हुआ है, ये 2 दिन पहले सूखने के लिए रखा हुआ, ऐसी पूरे घर में गेहूं फैला हुआ है क्योंकि ये कई दिन रखा रहता है ऐसी बोरी में भर के, और फिर इसमें हो गई सुड़सुड़ी, सुड़सुड़ी से सफ़ेद पाउडर ऐसा हो गया, जिसकी वजह से इसको साफ किया जा रहा है। 4-5 दिन से चल रहा है यही काम लगातार नॉनस्टॉप। घर नहा धो के हो चुका हूँ तैयार, और आज मैं जा रहा हूँ ओला के वेयर हाउस सेक्टर 24 दिल्ली में, वहाँ से लेके आना मेरे को स्कूटर। वैसे तो मैं पिछली बार भी गया था 1 सप्ताह पहले आज ही के दिन, तब उन्होंने मेरे को चक्कर घुमा के और कह दिया कि अगले सप्ताह आना फिर से। अब मैं निकल रहा हूँ आज, पीछे खड़ी हुई मेरी बाइक, इसमें पेट्रोल नहीं है, ऑयल मैं चेंज कर चुका हूँ इंजन का, क्योंकि 1500 किलोमीटर चल चुकी थी तो ऑयल चेंज कर दिया, पेट्रोल डलवा के सीधा निकलूँगा और ओला वेयर हाउस, और वो क्या कहते हैं स्कूटर दे देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये बाइक तो भाई सब अति लेवल का पेट्रोल चूस रही है, 6,000 का पेट्रोल चूस चुकी है, और 3200 रुपये इसके झूले वूले और इसमें लग चुके हैं लॉक सेट में, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है नुकसान। और नहीं तो अगर होता ओला का स्कूटर तो 9,000 में से पूरे के पूरे बच जाते, ये तो फायदा है ओला स्कूटर का। पीछे खड़ा हुआ हूँ कि सामने जाके वो वीडियो बनाने नहीं देते हैं, आपके लिए बता देता हूँ, ये सामने जो है शटर दिखाई दे रहा है उसके बिल्कुल राइट साइड में पड़ेगा ओला का वेयर हाउस, और लोग जा रहे हैं अपना सर्विस वर्विस करा रहे हैं, और मुझे जाना है स्कूटर लेने के लिए, तो फटाफट से चलता हूँ मैं अपने स्कूटर के इंफॉर्मेशन लेने, क्या हमें आज स्कूटर मिलेगा ये वीडियो के एंड में ही पता चल पाएगा। तो यहाँ ओला के वेयर हाउस पर पहुँच चुका हूँ, और इन्होंने प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है, यानी जो स्कूटी मेरे को देने वाले हैं उसका ये अब कंफर्मेशन ले रहे हैं ऑफिस से, तो प्रोसेस जो है पेंडिंग है, अब कितनी देर में ये कंफर्म होगा, जब कंफर्म होगा तब से ये शुरू करेंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, जो भी है वेट तो करना ही है। 12 बज चुके हैं, अगर 1 घंटे तक हो गया ठीक है, नहीं तो फिर चला जाऊँगा मैं अपने बाइक लेके घर, और फिर उसके बाद कल आ जाऊंगा लेने, कल तक तो ये कंफर्मेशन आ ही जाएगा। तो फाइनली मैं ओला वेयर हाउस आया हुआ था, ओला वालों ने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए उसको अंडर प्रोसेस डाला हुआ है, और मैंने 1 घंटा वैसे यहाँ वेट किया कि अभी हो जाए कंप्लीट, तो मैं बाइक को यहीं छोड़ दूँ, स्कूटर को लेके निकल जाऊँ, और फिर उधर से बाइक टैक्सी में बैठ के आ जाऊँगा, और फिर इधर से बाइक ले जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी ये डॉक्यूमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए, 1 बज चुका है, 10 से 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा ऑफिस, ऑफिस से अपना पहला रूट उठा के सीधे चलूँगा डिलीवरी करने, और डिलीवरी करके बाइक को छोड़ आऊँगा घर, और उधर से वापस आ जाऊँगा टैक्सी से। तो ये ऐसे मैंने सोचा, इस टाइम को मैनेज कर लेता हूँ, तो फटाफट से यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी सेक्टर 24 द्वारका में खड़ा हुआ हूँ, तो सीधे चल रहा हूँ यहाँ से अपने सेक्टर 18 वाले ऑफिस गुड़गांव में।
भी मैं हूँ भीमगढ़ खेड़ी में, और देखो बारिश यहाँ शुरू हो गई है हल्की फुल्की, लेकिन ये भिगाने के लिए काफ़ी है। थोड़ी देर रुका हुआ हूँ यहीं पे, देखते हैं क्या होगा। सेक्टर 9 में मैंने अभी अपना जो मॉर्निंग का मेडिसिन डिलीवरी रूट कर दिया है ख़त्म। हल्की फुल्की बारिश हो रही है और होके हो भी चुकी है बंद, और टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं। और जो कि ओला वालों ने डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए डाला था वो अभी तक पेंडिंग है, तो 3 बज गए हैं, मतलब अभी तक पेंडिंग है, तो उसका कुछ हो नहीं सकता। मैं यहाँ से चल रहा हूँ फिर अपना वापस सीधे ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में चल के लंच कर लूँगा और अपना फिर सेकंड रूट ले लूँगा, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब। अब अगर अप्रूवल आएगा भी तो मैं घर जाके बाइक को छोड़ के वापस से ओला वेयर हाउस नहीं पहुंच पाऊंगा। बारिश में जैसे तैसे भीगते भागते जो है बाइक टैक्सी बुक करके मैं यहाँ आ गया ओला के वेयर हाउस। अब इन्होंने बोला कि वापस से पुराने वाले पे जाओ, वहीं पे मिलेगी आपको स्कूटी। अब मैं यहाँ से पैदल जा रहा हूँ क्योंकि बाइक वाला तो निकल गया, अब क्या कर सकता हूँ, पैदल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो फाइनली 7:30 बज चुके हैं और अब मैं पहुंच चुका हूं अपने ऑफिस सेक्टर 18 में इवनिंग का रूट लेने के लिए। और ओला वालों ने आज मेरे को 2 चक्कर टोटल 4.5 घंटे वेट कराया, तब जाके इवनिंग में मुझे स्कूटर दिया है 7:45। बारिश हो रही थी इस वजह से वहां से मैं नहीं बना पाया व्लॉग। तो अभी ऑफिस आ चुका हूं सेक्टर 18 में, तो अभी आपको बता रहा हूं कि जरा सी बारिश हुई है किन में आधा पौना घंटा, बहुत तेज नहीं हुई, और उसके बाद सड़कों पर इतना भयंकर जाम लगा हुआ है ना, मतलब एक तरफ ओला परेशान कर रहे हैं ओला वाले और दूसरी तरफ भगवान परेशान कर रहा है, बिल्कुल पड़े हुए हैं पीछे। और मैंने दीपक भाई को किया फ़ोन क्योंकि मेरी बाइक नहीं खड़ी है सेक्टर 18 में, और स्कूटर भी हो गया, अब दोनों लेके जाना है। तो दीपक भाई पहुँचने वाले हैं, तो दीपक भाई बाइक ले लेंगे, मैं स्कूटर, और फिर चलेंगे सीधे सेक्टर 10, वहाँ मेरे मामा रहते हैं, बाइक वहाँ छोड़ दूंगा, स्कूटर लेके चला जाऊँगा घर। तो फाइनली फ्रेंड्स आज का रूट कंप्लीट करके मैं पहुंच चुका हूं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और मेरे को मिल चुका है देखो आज ओला का स्कूटर। ये रहा मेरा ओला का स्कूटर सर्विस के बाद, और मैं इसको अभी तक चला चुका हूं लाके वहां से तकरीबन 35 किलोमीटर, और अभी मैं हूं द्वारका सेक्टर 102 फ्लाईओवर के नीचे जो है ये अंडरपास, और अभी मैं यहाँ से इस अंडरपास को क्रॉस कर रहा हूँ। ये देखो रात के नज़ारे में अंडरपास कुछ ऐसा दिखाई देते हुए, लेकिन खाली है। जैसा कि आज बहुत सारी भसड़ हुई, भसड़ क्या, पहले रूट को मैं लेट पहुँचा, रीज़न ये पहले मैं गया ओला के वेयर हाउस, वहाँ उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए और उनको चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए डाला। वेरिफिकेशन हुआ वो शाम को 4 बजे वेरिफिकेशन हुआ, तो उसके बाद मैं जब निकला तो तब बारिश हो रही थी, तो मैंने कई लड़कों को बोला ऑफिस में, तो वो बोले कि मैं जाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि कोई भी मत जाओ भाई, मैं राइड लेके चला जाऊँगा। फिर मैंने करी एक रैपिडो राइड बुक और वहाँ से गया, 5 बजे पहुँच गया ओला के वेयर हाउस। वहाँ पर वापस से मेरे मैनुअली डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया और रीचेक किया गया, जिनको रीचेक करने के बाद में मेरे को वहाँ 7:45 जो दे दिया गया ओला का स्कूटर। और स्कूटर को लेने के बाद मैं सीधे निकल गया अपने ऑफिस। फिर मैंने किया दीपक भाई को फ़ोन कि ऐसे ऐसे मेरी बाइक जो है ऑफिस में खड़ी हुई है और उसको लेके चलना है घर, तो दीपक भाई ने राइड बुक की। फिर वो पहुँचे मेरे ऑफिस, वहाँ से बाइक उठाई, फिर दीपक भाई बाइक लेके गए अपने मम्मी के यहाँ पे, और मैं अपना डिलीवरी करने गया। डिलीवरी करके फिर वापस से गया मैं सेक्टर 10 में जाके फिर से मैंने वो बाइक दीपक भाई से ली और अपने मामा के यहाँ खड़ी करके दीपक भाई को दीपक के भाई के घर पे छोड़ के, और फिर मैं अब निकल चुका था। टाइम हो चुका है 10:00 कुछ हो रही है और मैं यहाँ खड़ा हूँ सेक्टर 102 अंडर पास पे। डिस्टेंस तकरीबन मेरे घर का वही 10 किलोमीटर के आसपास, 20-22 मिनट लगेंगे पहुंचने में। और देखो खड़ा हुआ स्कूटर कुछ इस तरीके से दिखता हुआ, और ओला स्कूटर ना होने की वजह से इस महीने में जो टोटल मेरे को एक्सपेंस लगा है बाइक बुक का सारा मिला के 9,800 रुपया, जिसमें 6,500 का पेट्रोल और 3,200 रुपये लग गए बाइक में ठीक करने में, झूला डला और लॉक सेट डला ये। और अगर मेरे पास में ये होता स्कूटर ओला का तो मेरे को खींच मार के लगता पूरे महीने में 500 रुपया, लेकिन इसीलिए ओला के स्कूटर को लोग खरीद रहे हैं ताकि अपना खर्चा कम कर सके। लेकिन ओला वालों की सर्विस इतनी बेकार है, महीने महीने लग जाते हैं, 1 महीने बाद ही आज मिला है मेरे को। तो अगर
ये स्कूटर सही करके दे देते 2-4 दिन में तो मेरे खींच मार के लगता 1,000 रुपया का पेट्रोल, लेकिन 1 महीने में दिया है तो उसकी वजह से मुझे 6,500 का पेट्रोल लग गया और बाइक मेंटेनेंस लग गया। बाइक मेंटेनेंस भी मुझे लगता तो मान लो 4 महीने बाद जाके लगता, अगर ये स्कूटर मेरे को 2 से 3 दिन में दे देते। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, अब इस महीने में वैसे भी मैं कंगाल हो चुका हूँ, लेकिन स्कूटर मेरा आ चुका है। अब स्कूटर से करेंगे धन-धना के राइड और उसके बाद में अपना काम और व्लॉगिंग भी साथ के साथ। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट कंटिन्यू बनाए रखिए। ओला का स्कूटर आ गया, अब धन-धना के मिलेंगी व्लॉग वीडियो। फाइनली 10:20 हो चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ घर। और ये देखो स्कूटर को मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए वाईफाई कनेक्ट करके, देखो वाईफाई कनेक्टर यहाँ पे, ये देखो बिलिंग हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। सॉफ्टवेयर इसका मांग रहा था अपडेट, तो मैं इसे अभी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके और करता हूँ अपलोड। सॉरी अपलोड ऐसे हो गया है क्योंकि वीडियो करता हूँ ना, तो सॉफ्टवेयर को इसको करते हैं डाउनलोड और फिर इसको रिवॉर्ड करेंगे ताकि इससे इसका सारा सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो जाएगा। और फाइनली ये रहा स्कूटर, इसको अब कल चमकाएंगे, गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और कैसा लगा स्कूटर? वाह, बहुत तो बढ़िया नहीं लगा। और यहाँ देखो चीते और ये शेर खेल रहे हैं दोनों। और मैं जूते पहरे पहरे, मेरे पैर गल चुके हैं पूरे, तो अभी फटाफट से मैं क्या करता हूँ, जूते वूते निकाल के कपड़े चेंज करके और सीधे मैं नहाने जाता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। अभी जो मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ, देखो कितना टाइम दिखा रहा है, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में ये अपडेट होगा। वेरीफाइंग इंस्टॉलेशन पैकेज ये सब दिखा रहा है, अब 1 घंटे तक वेट करते हैं क्या दिक्कत। तो फाइनली ये इंस्टॉलेशन जो हो गया है सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे ये जो है लाइन अभी इतना और होना बाकी है, देखो कितना टाइम लगता है वो तो नहीं बता सकता इसमें, इसने बताया था। अच्छा अब ये हो गया ऑफ, मतलब अभी इसमें आवाज़ आएंगी ठूं ठा ठुड़ूँ, और तब देखो ये आ गया ओला लिखा हुआ, तो इसका मतलब अब ये रिबॉट हो रहा है। और रिबॉट होने में कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं पता, जैसे हम नॉर्मली रिबॉट करते हैं तब तो ये 2 से 3 मिनट में हो जाता है, लेकिन अब इसको छोड़ देते हैं। ये सारा इसका जो है सॉफ्टवेयर हो गया अपडेट, देखो इसमें लाइन चलने लग गई है, और ये लाइन एक लाइन और आएगी इसके बाद में, और वो यहाँ से यहाँ जब चली जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा अपडेट। ये देखो वापस से खुला, ये इसमें लिखा हुआ आएगा ओला, देखते हैं कितनी देर में आता है। थोड़ा स्क्रीन ऐसे वाइट जैसे दिख रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों, अभी इसमें टाइम लगेगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर देखते हैं कितना टाइम। हाँ इसमें साउंड आया, अभी इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। पहले ये हो चुका है रिबॉट, और ये इसको अभी मैं डालता हूँ पिन, थोड़ा सा कर लेता हूँ साइड में क्योंकि पिन नहीं दिखाऊंगा, कई लोग मुझे वैसे पर्सनली जानते हैं। ये आ गया मूव OS 4, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। तो ये इसका आ गया पूरा इंटरफेस, तो हमारा जो हो चुका है इसका जो अपडेट मांग रहा था वो हो गया अपडेट। अब मैं इसको लगा दूंगा सीधे चार्जिंग, क्योंकि इसकी चार्जिंग जो बची है वो बची है 35%। फाइनली चार्जर में कनेक्ट कर दिया हूँ, देखो उसके पंखे से आ रही है आवाज़, और ये लग गया है यहाँ पे चार्जर, और ये दिखा दिया देखो 35%। 2:26 पे रात को ये हो जाएगा फुल चार्ज। फाइनली खाना खा चुका हूँ, खिचड़ी रायते के साथ में, और ठंड में भीग के आया हूँ तब उसके बाद खिचड़ी और रायता, कोई बात नहीं। तो चाय आ चुकी है मेरे पास में बन के, क्योंकि बारिश में भी भीगा हूँ आज, और इस वजह से चाय भी पी लेता हूँ, वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ। तो आज के वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अभी वीडियो को मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके बाद अपलोड टैग कीवर्ड हैशटैग ये सब मुझे करने हैं, टाइम लगेगा 2 घंटे, और तकरीबन 11:45 बज चुके हैं। तो फटाफट से करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।